तो बात कर रहा हूं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों को मिथुन राशि, अब इसमें पॉइंट क्या है कि आप अपना चंद्रमा से जो आपकी राशि बनती है, तो जिनको अपनी जन्म राशि पता है वो अपनी जन्म राशि से देखेंगे और जन्म राशि के मुताबिक ही हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। अगर आपको आपकी जन्म राशि पता है, जन्म राशि मेष राशि से मिथुन राशि में यानी तीसरे घर में, तीसरा घर कुंडली में भाव में लग्न में देखेंगे या लग्न से भी देख सकते हैं, लग्न से देखेंगे तो तीसरा भाव पार्टनरशिप का है, पराक्रम का है, कॉन्फिडेंस का है। तो जब मेष राशि वाले व्यक्ति के तीसरे घर में आएंगे तो पार्टनरशिप होने के योग बनेंगे, नई नई पार्टनरशिप बनेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को, मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस साल पार्टनरशिप मतलब सितंबर 2020 तक पार्टनरशिप से फायदा होगा। ये कह सकते हैं कि भाई बहनों के साथ भी संबंध कुछ ना कुछ अच्छे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं राहुदेव आपके कुछ रिलेशन खराब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच राशि के हैं या अष्टम स्थान पे बैठे हैं या कहीं और बैड प्लेस में बैठे हैं यानी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं भी अगर बैड प्लेस में बैठे होंगे तो बुरा भी कर सकते हैं। जनरली मेष राशि को तीसरे घर में लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ा उनकी सेहत की भी आपको चिंता रह सकती है। आर्थिक लाभ, धन दौलत आपको बहुत मिलेगी। मेष राशि वालों को राहु देव ने मालामाल कर देना है, धन दौलत भरपूर देनी है, तसल्ली करा देंगे आपकी, आप सोच नहीं सकते। यात्राएं बहुत होंगी और विदेश यात्रा पक्का होने के चांसेस बनते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बहुत है इस वर्ष आपके। अगर आप फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं या फॉरेन की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो मान के चलिए आपकी लॉटरी निकल गई। मेष राशि वाले व्यक्तियों को तीसरे घर में राहु उच्च के आने की वजह से आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन तिल के लड्डू आप मार्केट से खरीद लीजिए या घर में बना लीजिए। तिल के लड्डू आप बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के जो भी कोई गरीब व्यक्ति बैठा हो सामने मंदिर के बाहर, उन्हें आप खिला दीजिए, दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके राहुदेव और प्रसन्न होंगे और आपको बड़ा लाभ मिलेगा।